हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग के जो एग्जाम है बहुत ही बेहतरीन गए होंगे। तो बेटा लास्ट वाला जो डेट था, हमारा लास्ट डेट नहीं बोल सकते हैं, इसी डेट पे, ठीक है, जो हमारा 11 तारीख जो आज की जो तारीख थी बेटा, यहाँ पे जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों के एग्जाम हुए होंगे और सारे क्वेश्चन सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों से, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो हमारा और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा, केमिस्ट्री होने वाली, जो कि 14 मार्च को होने वाला बेटा। किस में जाती है? 14 तारीख को होने वाला है, 14 मार्च को होने वाला है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के अंदर जो है, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर, हम इस 2 दिन के अंदर जो है पूरी की पूरी केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री कर लेंगे। अभी आपके मन में थोड़ी सी जो है डर होगी, थोड़ी सी एंजाइटी होगी कि हम इसको करेंगे कैसे, चीजों को कैसे समझेंगे, भैया हमने साल भर नहीं पढ़ा केमिस्ट्री, अब क्या करेंगे, 2 दिन में कुछ कर पाएंगे? तो बेटा मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आप 2 दिन के अंदर बहुत जबरदस्त करने वाले हो, ठीक है। मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं बेटा, बस उसको आप फॉलो करते रहना, तो सारे बच्चों को यह पता चल गया भैया कि आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। आप कई बच्चे बोल रहे हो सर, आप तो सीरीज के अंदर भी स्ट्रेटजी बताया हो ना, तो बिल्कुल बच्चे मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताया था कि 1 महीने बाद पहले जो हमको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अब ये बात करेंगे कि हमारे पास एग्जाम को जो गैप डे है 2 दिन, उसके अंदर कैसे हमको भैया स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो स्ट्रेटजी, आज की जो स्ट्रेटजी होने वाली बेटा बहुत बेहतरीन होने वाली, और सारे बच्चों को इसको फॉलो कर दिए तो भाई मजे ही मजे, ठीक है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए बच्चे फटाफट ये मेरे को पहले जो है कंफर्म कर दो भैया, किनको किनका एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन गया। कमेंट सेक्शन में सब लोग पहले मेरे को बता दो ना कि भैया किसका किसका फिजिक्स का एग्जाम बहुत बेहतरीन गया होगा। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया? देखो 11 मार्च को बेटा हम लोग का जो फिजिक्स का जो एग्जाम है वो खत्म हुआ है, जैसे मतलब आज की रिसेंट डेट पे ही खत्म हुआ बेटा। अब इसके बाद बच्चे हमको जो है लगभग 2 दिन यहाँ पे बाकी है, 2 दिन बाकी, 2 डेज हमको जो है, 2 डेज के बाद बच्चे हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। और मतलब 2 दिन बेटा, आपको जब क्लियर विजन हो रहा है कि 2 दिन के अंदर बेटा हमको जो है पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, और मतलब कि 48 घंटों के अंदर ना बच्चा पूरी की पूरी केमिस्ट्री अपन को खत्म करनी पड़ेगी। 48 घंटों के अंदर हमको पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चे 48 घंटे में क्या हम सब बच रहे, क्या सर हम 48 घंटे पढ़ेंगे क्या पूरा? ना, बिल्कुल नहीं पाए बच्चे। हमको सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ना है मैं बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ हमको जो है आपके सोने के टाइम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ हटा के बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है 28 घंटे पढ़नी होगी। वो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 28 घंटे आपको करनी पड़ेगी, 28 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं बताऊंगा बेटा अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, तो सारी चीजें पता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब बच्चे हमारे पास बाकी था 2 दिन, हमारे पास 2 दिन बाकी थे बेटे, 2 दिन। अगर मैं इस 2 दिन को भैया आप घंटे में कैलकुलेशन लगा दो तो 2 दिन का होता है 48 घंटे भैया, 48 आवर्स हमारे पास मौजूद होते थे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या हम 48 घंटे पढ़ने वाले? ना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, 48 घंटे कैसे पढ़ लोगे यार, ठीक है। तो आप देखो बच्चे 48 घंटे में मैं आपको एक जो है ऐसे रफली कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है बेटे सारे बच्चों के लिए वैरी होता है। क्या बेटा? वैरी होता है, मतलब कि भाई कुछ कुछ बच्चों के लिए फिट होगा, कुछ बच्चों के लिए फिट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चा, अपना शेड्यूल बनाना, अपने अकॉर्डिंग क्या करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि एग्जाम आए हैं ना, पता है ना आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, 48 घंटे की बात करता हूं मैं, 48 घंटे में पूरी केमिस्ट्री हम कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही तो बाकी है, सारे बच्चों को पता है। अब देखो ध्यान से, जो मैं आपको जो है 7 घंटे आपको सोने के लिए दें, क्योंकि हमारे लिए सोना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, प्रॉपर नींद लेनी भी ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। पता चल रहा है भाई हम जो एग्जाम में बैठे हैं हमारा दिमाग ही चल नहीं पा रहा है, स्टक हो गया पूरा, फिर दिक्कत आ जाती है भैया, ठीक है। तो हमको जो 7 घंटा सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम 7 घंटे आपको सोने के लिए रिजर्व कर देते हैं। अब देखो 7 घंटे में से बेटा मैं 2 घंटा आपको जो है कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेट जो एक्टिविटी होती है, जो आपको करने का मन होता है, जो आप डेली बेसिस पे करते हो, उसके लिए मैंने आपको 2 घंटा रिजर्व कर दिया, और 1 घंटा वापस से मैं आपको क्या दे दिया, 1 घंटा वापस से मैं आपको कुछ और चीजें करनी जो आपको मन करता है, जो आप करते हो डेली बेसिस पे, उसके लिए मैंने और 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया। इस तरीके से हम कैलकुलेशन लगाते हैं, तो हमारा 10 घंटा दिन का 10 घंटा जो है आप जो है सोने में और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगा देते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? तो 10 घंटे लगाते हैं। अब एक दिन के अंदर भैया कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मैं 10 घंटे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 10 घंटे भैया, सॉरी डिवाइड नहीं भैया, 10 घंटे हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिलता है बच्चे, हमको जो मिलेगा
14 घंटे मिल रहे होंगे, 14 घंटे। अब इस 14 घंटे हमारे पास कितने दिन है बेटा, 2 दिन है, तो 14 घंटे मतलब यहाँ पे होगा सिंपल कैलकुलेशन 28 घंटे होगा। ये कैलकुलेशन करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्लियर बच्चा, ठीक है। 28 घंटे हमको मिल रहे हैं, इस 28 घंटे में बेटा पूरी केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चे, स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ, रास्ता मैं बताने वाला हूँ कि चीजें कैसे होती, करना आपको है। अगर आपके मन में आपके सब्जेक्ट के लिए जो प्यार रहेगा ना बेटा, अगर आपको जो है अपना लाइफ जो है अच्छी जगह पे जो है पहुंचाना होगा, अपने फैमिली वालों की जो लाइफ है उसको अच्छी जगह पे पहुंचाना होगा, तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप मेहनत करो बच्चे, अभी मेहनत करो, अभी टाइम है। वापस से जो एक कक्षा 12वीं का एग्जाम नहीं आएगा जिंदगी में, याद रखना बेटा, जिंदगी में वापस से एक कक्षा 12वीं का जो एग्जाम है, ये केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, वापस नहीं आएगा। चाहे कुछ भी कर लो, समझ रहे हो, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। तो आपके पास अभी एकदम बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत अच्छे से साकार करो बेटे, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है थोड़े से और बढ़ाते हैं, बात करते हैं। अब देखो बेटा, 28 घंटे हमारे पास होते हैं, इस 28 घंटों में हमारे पास होते हैं 16 चैप्टर्स होते हैं, और इसे सिंपल कैलकुलेशन लगाओ बच्चे तो मेरे को जो है 1.7 आवर, मतलब कि भैया एक घंटा अप्रोक्स 7 की मैं बात करूं तो ये हो जाता है लगभग एक घंटा 40-42 मिनट के आसपास, एक घंटा 40-42 मिनट के आसपास होता है। तो हम जो है एक घंटा 40 मिनट लेके बात करते हैं, तो एक घंटा 40 मिनट हमको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगता है। मतलब कि बच्चा, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मैं जो है एक घंटा 40 मिनट लूंगा, मैं नहीं बच्चे, आप लोग लेने वाले हो। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके सब्जेक्ट को जो है टाइम डिवाइड कर दोगे, तो आपका दिमाग जो उसी टाइम ड्यूरेशन में चलना स्टार्ट होगा। चीजों को सिंप्लीफाई करो यार, ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ज्यादा हॉच पॉच नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी हमको नहीं करनी, चीजों को धीरे धीरे सीखते चलो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखो बच्चे, आपको अभी हाँ एक बात बोलना चाहूंगा, तो बहुत सारे बच्चों को ना ये डर रहता है कि हमको जो 2 दिनों में कैसे करेंगे, हमारे सिलेबस इतना सारा सिलेबस है, इतना टाइम है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन आपको एक माइंड सेट बताता हूँ बच्चों, एक माइंड सेट बताता हूँ। समझो कि यहाँ पे मेरा एक क्या त्रिभुज है, ठीक है, एक मेरा त्रिभुज है। आपका सिलेबस क्या बच्चा, आपका सिलेबस जो है ना, ये जो है ना, ये आपका सिलेबस है जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे फेस पे, ये आपका सिलेबस है जो आपको बहुत बड़ा लग रहा है अभी। आप जो यहां से अगर बैठ के देखोगे ऊपर से बैठ के देखोगे, तो ऊपर से बैठ के देखने पर ये सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, पहले ही हाई हो चुकी रहती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई करो ना, ठीक है। तो आप यहां से जब देखते हो ना, तो आपको चीजें जो है बहुत हार्ड लगती है, बहुत बड़ा सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस याद नहीं हो रहे। बेटा सब याद कराएंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है, हार्ड हो गया। अब बच्चे, अब अगर देखो ध्यान से, यहां से आप देखोगे तो आपको हार्ड लगेगी चीजें, लेकिन आप वन बाय वन, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना बेटा, सीढ़ी चढ़ते हो तभी एक टॉप पे पहुंच सकते हो, ठीक है। आप जब माउंटेन चढ़ते हो तो आप पहले वन बाय वन चढ़ते जाते हो, तब एक टॉप में पहुंचते हो ना। तो उसी प्रकार आप वन बाय वन चैप्टर्स कंप्लीट करो, और जिस चैप्टर पे आप फोकस करें उसी चैप्टर पे ही करना है। या आप जो है एक घंटा 40 मिनट एक चैप्टर पे जो है आपको लगाना, तो आप सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट उसी चैप्टर के बारे में सोचना है, और कुछ भी बातें नहीं सोचनी है, क्लियर है। तो आप कुछ इस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हमको यह पता चल गया कि 1 घंटा 40 मिनट एक चैप्टर को हमको देना है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं बच्चा, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग क्या करना, थोड़ा सा क्या करना, एक पेन पेपर कॉपी लेके सामने बैठना, और थोड़ा वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट करते जाना कि हम कैसे चीजें बात करते हैं, कैसे हमको टाइम ड्यूरेशन जो है कैलकुलेट करना होता है, कैसे चीजें बात करनी होती है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, ये जो हमारा चीजें थी, केमिस्ट्री थी, इसको मैंने 4 फेजेज में डिवाइड किया है। क्या बच्चे, 4 फेजेज में डिवाइड किया है। उसमें से जो पहला फेज होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होने वाला है। क्या बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेज होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा जो हमारे लास्ट के जो चैप्टर है ना, बहुत ईजी, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत हलवा, मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है। वो चैप्टर्स को हम लोग पहले कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो पहले बूस्ट होगा, क्लियर है। सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखो बेटा, चैप्टर नंबर जो हमारा 14 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ठीक है, 14, 15, 16 और चैप्टर्स को हम लोग पहले कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बच्चे इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करोगे, तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों इन 3 चैप्टर को पहले कंप्लीट करना। क्यों, इसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि यहां से बच्चे 14वें चैप्टर से हमको 4 अंक के क्वेश्चन, 3 वापस से जो 15 से 3 और जो है 16 से जो 3 अंक के क्वेश्चन पूछे, इस तरीके से हमको टोटल ओवरऑल 10 अंक। देखो बेटा, ये 10 अंक आपको एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके हाथों में होगा,
डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से जो है बहुत इजी क्वेश्चंस बनते, ज्यादा टफ नहीं होता, बस आपको जो थोड़ी जो है दिमाग लगा के पढ़नी होती, कंसेप्ट को समझना होता है। क्लियर सारे बच्चों? तो यहां पे आप 10 अंक जो है बहुत इजी तरीके से आप जो है ला सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, मैंने बोला था कि 1 घंटा 40 मिनट जो है एक चैप्टर को देना है, तो देखो भैया 1 घंटा 40 मिनट जो है मैं इस 14, 15 और 16 जो चैप्टर है इसको 1 घंटा 40 मिनट देने की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि भैया आप इसको 1.5 घंटे में ही खत्म कर सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 1 घंटा 30 मिनट में हम खत्म करते हैं, तो हम तीनों चैप्टर कर कैलकुलेशन करें बेटा, देखो 1 घंटा 30 मिनट, 15 को भी 1 घंटा 30 मिनट और 16 को भी 1 घंटा 30 मिनट में खत्म कर दे, तो हमको जो है 4 घंटे 30 मिनट मिल रहे होते हैं, 4 घंटे 30 मिनट मिल रहे होते, मतलब 4.5 घंटे के अप्रॉक्स जो हमको मिल रहे होते। और मैंने क्या बोला हुआ था प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला हुआ था 1 घंटा 40 मिनट जो है हम सारे चैप्टर्स को देने वाले, लेकिन मैंने यहां पे दिया 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब देखो यहां से 10 मिनट हमको सेव हो गया, यहां से 10 मिनट सेव हो, यहां से 10 मिनट सेव हो, यहां से भी 10 मिनट सेव हो, इस तरीके से हमको जो है 30 मिनट वापस से सेव हो गए। और जब बची ये 30 मिनट क्या कर लिया आपने, अपने बचत बैंक पे डाल दिया, मतलब कि बच्चे इसको आपने सेव कर दिया। अब देखो इसको जब सेव किया तो इसको यूटिलाइज भी तो करना जरूरी है। ठीक है, अब इसको जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके थोड़ी ना गवा दोगे, तो आप क्या करना बेटा, ये 30 मिनट का जो लैप है ना इसको आप लोग अपने ब्रेक में क्या करना, ऐड करना, मतलब कि भाई एक चैप्टर पढ़ लिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट का जो है ब्रेक ले लिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लिए, एक चैप्टर के बाद जो फिर से 10 मिनट का ब्रेक ले लिए, तो मैं कुछ इस तरीके से बेटा आपको शेड्यूल बताने वाला हूं, तो आप कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इंस्टाग्राम स्ट्रोल नहीं करना है, चीजें आपको सोशल मीडिया पे भैया एक्टिव नहीं रहनी है, क्योंकि भैया आपको इस 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, फेज 1 यहाँ पे जो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे मैं फेज 1 के बारे में बात कर दिया, अब फेज 2 के बारे में बात करता हूँ। फेज 2 के अंदर हम किसके ऊपर बात करेंगे, तो फेज 2 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है चैप्टर, हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री उसके चैप्टर जो 5 चैप्टर होते हैं, उस 5 चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, समझना, देखो अध्याय 1 जो होता है, चैप्टर 1, ठीक है, जो हमारा ठोस अवस्था होता है, यहां से जो है 4 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, ठीक है, पहले से पता है, लेकिन मैंने आपको जो है एक ओवरव्यू देने के लिए लिख दिया है। ठीक है बच्चा, देखो चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 3, 5, 4 और 5 की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से हमको अंक जो है मिल रहे होते, मतलब 4, 5, 5, ठीक है, फिर से 5, उसके बाद 4, इस तरीके से अंक मिलते, टोटल हमको यहां से 23 अंक मिल रहे होते बेटा, कितना 23 अंक हमको मिल रहे होते। अब इसमें हम जो टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चा, देखो इसको भी वापस से मैं क्या करता हूं, जो चैप्टर नंबर 1 है इसको मैं 1 घंटा 30 मिनट देने वाला हूं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 को मैं 1 घंटा 40 मिनट देने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है, उसमें कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन भी है भैया, तो कैलकुलेशन को करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको 1 घंटा 40 मिनट दे दिया। ठीक है, अब 1 घंटा 30 मिनट वापस से चैप्टर नंबर 4 को 1 घंटा 30 मिनट और इसको भी 1 घंटा 30 मिनट, इस तरीके से हम कैलकुलेशन जब बैठाते हैं बेटा, तो हमको जो है ओवरऑल 7 घंटे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को खत्म करनी, क्या बच्चा, फिजिकल केमिस्ट्री को खत्म करनी। और जब वापस से मैं इसको जो है टाइम की बात करूं, तो यहां से 10 मिनट सेव होते हैं, यहां से 10 मिनट सेव होते हैं, यहां से बच्चा सॉरी यहां से नहीं, ठीक है 1 घंटा 40 मिनट से नहीं, अब बच्चे यहां से देखो यहां से भी 10 मिनट सेव हो रहे होते हैं, यहां से भी 10 मिनट सेव हो रहे होते हैं और यहां से भी 10 मिनट, तो हम लोग टोटल ओवर बच्चे 40 मिनट्स क्या करते हैं बच्चे, सेव करते हैं 40 मिनट्स हम लोग अपना सेव करते हैं। अब ये सेव कर रहे हैं, इस टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, इसको आप लोग ब्रेक में यूटिलाइज करना, मतलब जब पढ़ रहे हो तो वहां पे ब्रेक होता है ना बेटा, थोड़ा बोर लग जाता है, चीजें जो आपको समझ में आनी नहीं हो जाती, बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे आप इसको ब्रेक के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो इसलिए मैं इसको बफर टाइम लेके चल रहा हूँ। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? तो इस तरीके से हम बात कर दिए, पूरा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हम इस तरीके से पढ़े रहे होंगे, और इसी तरीके से हम इसको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट जो है मिलने वाला है, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान सुनना, जो मेरा फेज 3 होने वाला है, इस फेज 3 के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बात करूंगा। अब बच्चे मैं इसलिए बात करूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी सब कुछ जो है प्रोवाइड कर चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डील किया हुआ है, सारी चीजों के ऊपर मैंने बात कर दिया है पहले से। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो अध्याय में 6 की बात करता हूं, 7, 8 और 9 की मैं बात करता हूं। ठीक है, इस फेज 3 के अंदर मैं 4 चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा, और 4 चैप्टर्स को करेंगे बच्चा तो इसको हमको जो 19 अंक मिलेंगे, और ये 19 अंक जो है बेटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा पी ब्लॉक द्वारा जो एलिमेंट चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों को ही करने पर आपको 13 अंक मिल रहे होते हैं।
कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़े चैप्टर से, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, हमको 13 अंक इन तीनों दोनों चैप्टर्स को ही करने में ही मिल जाते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी ही जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट करा चुका हूं। अगर जिन बच्चों को अभी तक नहीं देख पाए होंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, मेरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ लो, जिससे आपका एग्जाम में बहुत बेहतरीन जाने वाला है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अगर इसको टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो सारे चैप्टर्स ने बच्चे, इसको मैं 1 घंटा 40 मिनट देने वाला हूं, क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो टाइम है थोड़ा लगता है, इसको समझने में चीजों को लगती है थोड़ी ट्रिकी होती है। ठीक है, तो मैं आपको जो है सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको मैंने जो यहाँ पे डील कर दिया। तो बेटा हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की, वहां पे जाइए और इसको जो है आप लोग इजिली जो है देख सकते हो। चैप्टर नंबर 6 को भी देख सकते हो, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को भी देख सकते हो। क्लियर है सारे बच्चे को? तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन की बात करें तो बेटा हमको यहां से 6 घंटे लगने वाले हैं। कितने घंटे बेटा? 6 घंटे लगने वाले हैं। इससे पहले वाले बेटा हमको कितना घंटा लगा था? 7 घंटे लगे थे, 7 घंटे, इसमें 6 घंटे, और इससे पहले वाले में बेटा हमको 4.5 घंटे लगे थे। अब देखो बच्चे, आपका इस तरीके से आप फ्रेम तैयार करोगे तो आपका हाफ ऑफ जो केमिस्ट्री था वो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करना है, हमको क्या मिला था भैया, 6 घंटा 4.5 घंटा 7 घंटा। अब हमारे पास जो है टोटल ओवर बच्चे हमने कितने कर दिया, 17.5 घंटे अपन ने पूरे जो है केमिस्ट्री का जो हाफ ऑफ द पोर्शन था वो पूरा खत्म कर दिया, बहुत सारा पोर्शन जो है खत्म कर दिया। ठीक है, अप्रोक्स जो है 70-75% हमने खत्म कर दिया। अब बच्चे अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, मतलब कि बेटा जो आपको सबसे ज्यादा दुख देता है ना, सबसे ज्यादा दुख देता है, उस चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। उस चैप्टर्स को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम दिया है। क्यों इसको टाइम दिया बेटा, इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, देखो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, साथ ही साथ जो है लोगों को समझ नहीं आती। क्लियर, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। देखो बच्चे यहाँ पे मैं बात करूंगा आपको अप्रोक्स जो है, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन बात करूं, अप्रोक्स कैलकुलेशन यहाँ पे 10 घंटे लेके चलूं, और हमारे पास जो रिमेनिंग जो चैप्टर है वो 4 ही चैप्टर बचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब 4 चैप्टर को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे को 2.5 घंटे पर चैप्टर मिल रहे होते हैं, मतलब 1 चैप्टर को पढ़ने में मेरे को 2.5 घंटे लगेंगे, समझ रहे हो, 1 चैप्टर को करने में 2.5 घंटे लगेंगे। और ये मैं कराऊंगा बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है बच्चा, अब देखो 2.5 घंटे 1 चैप्टर को लगेंगे, तो वो चैप्टर्स कौन कौन है एक बार वापस से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 10 है, 11, 12 और 13, ये चैप्टर्स हमारे 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे बहुत ज्यादा आपको जो है तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपकी जो तकलीफ है ना वो हो जाएगी थोड़ी कम। ठीक है बच्चा, ठीक है, आप लोग थोड़ी तकलीफ जो है कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान समझने रहना। चैप्टर नंबर जो है 10 से हमको 4 अंक मिल रहे होते हैं, फिर से वापस जो है 11 से 4, जो है हमारे चैप्टर नंबर 12 जो है, ठीक है, यहां से हमको मिल रहा होता है 6 अंक, और हमको जो 13 जो है चैप्टर से हमको 4 अंक मिल रहे होते हैं। इस तरीके से पूरा ओवरऑल बच्चा हमको 18 अंक जो है ये 4 चैप्टर पढ़ने से मिल जाते हैं। अब बच्चे सोचने वाली बात यहाँ पे है, सोचने वाली बात यहाँ पे, ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। सोचने वाली बात यहाँ पे है, ये 4 चैप्टर्स पढ़ोगे ना, 4 चैप्टर्स पढ़ोगे तो यहाँ से 18 अंक मिल जाएंगे आपको, और बच्चे आप ये 4 चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको 19 अंक मिल जाएंगे, समझ रहे हो। ये 4 चैप्टर्स और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आपको इजिली बेटा 39 to 40 जो है मार्क्स अंक जो है आपको दे रहे होंगे। अगर एक्सपेक्टेड भी बात करूं बेटे तो आप लोग अप्रोक्स 35 तो लेके ही आओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है प्रिपेयर करके रखो। अब बच्चे आप जो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो जो है बहुत सारे बच्चों के लिए क्या हो सकती है, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मतलब कि भैया कुछ चीजें, कुछ लोगों को जो है ये सही लगे, कुछ बच्चों को जो है सही नहीं लगे, तो आप अपने जो है हैबिट के हिसाब से, अपने जो है बातों के हिसाब से बेटा, अपने काम के हिसाब से, अपने जो है स्टडी के हिसाब से बेटा एक शेड्यूल बना लो, लेकिन आपको जो है शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? तो आप शेड्यूल बनाओ यार, क्योंकि 2 ही दिन बाकी है। ठीक है, आप 2 दिन में कितनी सारी चीजें करोगे, ठीक है, कितनी सारी चीजें करोगे, तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सारी चीजें वापस से जो है रिवाइज कराने वाला हूँ। रिवाइज करने का मतलब बच्चे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और एक जो है बच्चे सारे मेरे प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जब आप लोग ना एक टाइम फ्रेम के अंदर, मान लो भैया 4.5 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा जो है 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट के जो स्टार्टिंग जो मैंने बताया फेज 1 के बारे में, उसमें 4.5 घंटे में मैंने 3 चैप्टर के बारे में बताया, अगर आपको 4.5 घंटे में 3 चैप्टर आप लोग
पढ़ रहे हो तो उस बीच में किसी भी और अदर चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है बेटा, ठीक है। अगर ऐसे आप तरीके अपनाओगे तो आपको इजिली जो है पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है वो हैंडल कर पाओगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री चार्ट जाओगे। क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग बच्चे पूरी तैयारी करने वाले हैं और वन बाई वन बच्चे मैं आपको जो है फेज वाइज, मतलब भैया फेज वन के जो है वीडियो आपको इसके इमीडिएट बाद आपको मिल रहे होंगे, और जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से ऐसा डायमंड टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाना होगा, और जहां पे मुझे लगता है कि इसको मेरे को वापस से रिवाइज कराने की जरूरत है तो मैं बच्चे आपको वहां पर रिवाइज करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया, और ये हो सकता है बेटा ये वीडियो जो थोड़ी लंबी बनी हो लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो मैं जो है आपको एग्जाम से आने के बाद इवनिंग में ही अपलोड हो जाएगी, इवनिंग में ही अपलोड हो जाएगी, जिससे आपको जो है कम टाइम लगे और आप उतनी फ्री टाइम के ऊपर बीच में जो है इसको आप देख सकते हो और अपना शेड्यूल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बच्चे ये जो है वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्प की होगी सारे बच्चों को, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो इसी के साथ बट्टे हम लोग जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से केमिस्ट्री में फोड़ने वाले हैं, तो ये वीडियो लेक्चर बच्चे अभी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।